नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूलों में होगी नियमित शिक्षकों की भर्ती, मंत्री ने दिया पक्की नौकरी का भरोसा। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने किया जोनल स्टेशन का औचक निरीक्षण, खामियां दूर करने दिया निर्देश। नहीं सुधर रही ट्रेनों की लेट लतीफी, यात्री रोज हो रहे परेशान। और अशोकनगर एकता कॉलोनी की सड़क वर्षों से है जर्जर, राहगीर हो रहे हलाकान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबर विस्तार से। स्कूल शिक्षा मंत्री का जवाब आने के बाद जान पड़ता है, शिक्षकों की हड़ताल खत्म कराने सरकार गंभीर नहीं है। निजी कार्यक्रम में आए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा, नियमित शिक्षकों की भर्ती जल्दी करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सवा साल का समय है। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि उनका विभाग नियमित शिक्षकों की भर्ती करेगा। उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले 15 सालों में भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिला और जनपद में शिक्षा कर्मी बनाया गया था, लेकिन उनकी सरकार युवाओं को पक्की नौकरी देगी। मंत्री का ये कहना भूपेश सरकार का आगामी चुनाव में शिक्षक भर्ती दांव खेलने का राज जाहिर कर रहा है। श्री टेकाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जैसे अभी हमने किया है भर्ती, अभी जो किया है उसके बाद भी 10,000 नियमित भर्ती और करने जा रहे हैं हम लोग। और ये भर्ती कब से नहीं हुआ था, इसको हम लोगों ने किया है। 15 साल तक यहाँ सरकार रही, बड़ी बड़ी बात करने वाली, उन्हें भी नहीं किया। शिक्षा कर्मी दो प्रकार के थे, एक तो जिन्हें पंचायत ने भर्ती किया था, जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और एक नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका ने भर्ती किया था, वो उनके कर्मचारी थे, है ना, उनको उनके स्कूल में पढ़ा रहे थे। लेकिन अब हम कहने नियमित भर्ती करेंगे, नियमित। दो सूत्रीय मांग को लेकर 6 दिनों से चल रही शिक्षकों की हड़ताल पर मंत्री प्रेमसाय का बस इतना कहना कि चर्चा कर रहे हैं हजम नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने के अभी मूड में नहीं है। स्कूल तो चल रहे हैं, स्कूल बंद नहीं है। मतलब गुरु जी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके विकल्प के रूप में जो जो टीचर हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं। बच्चे तो दिखे रही, तो ताला लगा हुआ था स्कूलों में। कुछ जगह है, सब जगह नहीं। उनके प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, कोई ना कोई हल निकालेंगे। निजी कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने यहां प्रेस को बताया कि राज्य में एकल या शिक्षक विहीन स्कूल नहीं है, सभी जगह बंदोबस्त किया गया है। एकल स्कूल तो कहीं नहीं है, एकल शिक्षक कहीं नहीं है, सभी व्यवस्था कर लिया गया। फिर भी आते कि गुरु जी नहीं, वो तो खबर कोई नहीं आया होगा, अलग बात है। परंतु एकल शिक्षक की कोई नहीं है, सब जगह शिक्षक की व्यवस्था कर ली गई है। और जहाँ नहीं हुआ वो, अगर ऐसा लगता है, मुझे कोई जानकारी कोई रहेगा तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। एक सवाल के जवाब में मंत्री टेकाम ने कहा, होम वर्क का डर दूर करने और मनोरंजक गतिविधियों से बच्चों को जोड़ने, शनिवार का दिन बैग लेस किया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे प्रधान पाठक पर कमरे के छत का प्लास्टर गिरने से लहूलुहान हालत में एचएम को हॉस्पिटल लाया गया। शनिवार शाम 4:30 बजे के करीब जरहाभाटा शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल के कमरे में हेडमास्टर निर्मला भास्कर कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों की संयुक्त क्लास ले रही थी, तभी जर्जर छत से उनके ऊपर प्लास्टर का बड़ा सा टुकड़ा आकर गिरा, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई है। सहयोगी शिक्षक उन्हें तत्काल पास के निजी अस्पताल लेकर गए। इस दौरान स्कूल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं आई है। स्कूल प्रबंधन जिला शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूल भवन की जानकारी दे चुका था। फिलहाल महिला हेड मास्टर खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हम आपको बता दें, जिस वक्त स्कूल में यह हादसा हुआ उस समय शहर में चल रहे एक निजी कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बच्चों के उज्जवल भविष्य पर भाषण दे रहे थे।
टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्य काम पर नहीं लौटे, जबकि फेडरेशन की 5 दिवसीय हड़ताल समाप्त होने के बाद बहुत से शिक्षकों की स्कूल में वापसी हुई है। 2 सूत्री मांग को लेकर फेडरेशन का रुख 1 अगस्त को साफ हो जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने पहले ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। निश्चित तौर पे चूंकि पिछले 2 सालों से ये स्कूल बंद थे और उस दौरान में बच्चे रूटीन में आना शुरू कर दिए थे सारे बच्चे और क्लासें ठीक भी चल रही थी, पर बीच में निश्चित तौर पे ये 5 दिन का जो हड़ताल रहा है इसमें हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे वास्तव में आज उनको आना चाहिए था पर अधिकांश बच्चे आज अब्सेंट हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी हड़ताल जारी है। टीचर्स हमारे 100% उपस्थित हैं, उसमें एक का हमारा है LB है, व्याख्याता LB है, सुनील सिंह ठाकुर है, वो केवल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, बाकी सारा स्टाफ हमारा उपस्थित है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर उपचार मिले इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बिलासपुर के बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने हमर लैब खोला जाएगा। इस सरकारी पैथोलॉजी में करीब 80 तरह की जांच सुविधाएं निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर लोगों को मिलेगी। हमर लैब में पैथोलॉजी से जुड़ी विभिन्न तरह की जांच के अलावा कोविड जांच भी की जाएगी। इससे क्षेत्र के लोगों को निजी लैब में महंगी जांच करवाने से छुटकारा भी मिलेगा। इस संबंध में जॉइंट डायरेक्टर डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि बिल्हा CHC में जल्द ही हमर लैब के नाम से आधुनिक सरकारी पैथोलॉजी लैब शुरू किया जाएगा। इसमें 80 से अधिक प्रकार की जाँच की सुविधा होगी। हमर लैब तैयार है और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मशीनें एवं जरूरी सभी उपकरण लैब में लगा दिए गए हैं। आसपास के CHC PHC से आने वाले सैंपल की भी जांच इसी लैब में की जाएगी। मरीजों को अब सरकारी लैब में ही सभी प्रकार की जांच की सुविधा मिलने लगेगी। वहीं जिला अस्पताल में इस प्रोजेक्ट को लेकर CGMSC ने ड्राइंग डिजाइन तैयार कर रायपुर अप्रूवल के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल में भी 25 लाख की लागत से बनने वाले हमारे लैब में आधुनिक मशीनों से ब्लड टेस्ट किया जाएगा। लोकसोर TV के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार शुक्रवार को बिलासपुर में 25 संक्रमित पाए गए। 3 वर्ष पहले भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी, जिसके बाद एकाएक संक्रमण ने शहर को घेर लिया था। अब एक बार फिर कोरोना महामारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन से इसे रोकने में कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक N. श्री कुमार ने शनिवार को जोनल स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने पार्सल, CTI, PRS समेत अन्य कमर्शियल से जुड़े विभागों का जायजा लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में वाणिज्य विभाग के मुखिया N. श्री कुमार सुबह 11:30 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके साथ सीनियर DCM, ACM समेत वाणिज्य निरीक्षक भी मौजूद थे। औचक जांच से अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल स्टेशन में वाणिज्य विभाग का कामकाज बेहद लचर है, सुधार की आवश्यकता है, पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं होने के कारण व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें कुछ खामियां भी मिली। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर संबंधित अधिकारियों को सुधार करने निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने CTI कक्ष, TTE लॉबी का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ के प्रभारियों से जानकारी ली कि कामकाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने रजिस्टर भी देखा। इस दौरान उन्होंने निर्देश भी दिया कि यदि कोई दिक्कत आती है तो वे सीधे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्सल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। रूटीन इंस्पेक्शन करना है, स्टेशन का कैसे काम हो रहा है, पार्सल बुकिंग और यात्रियों का सुविधा कैसे चल रहा है वो देखने के लिए ये हमारा ड्यूटी का पार्ट है। यू कैन पुट समथिंग बेटर। प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 को इंस्पेक्ट किया, वहाँ हमारा कुछ रिपेयर और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे साइनेज वगैरह कुछ कम हैं, उसको भी उन्होंने संज्ञान में लिया। और उसके बाद अभी पार्सल ऑफिस आए हैं कि पार्सल ऑफिस में मतलब आवक जावक
ठीक है कि नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, और यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है, जो हम लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उसका भी उन्होंने जायजा लिया। और इसके बाद हम टीटी रेस्ट रूम जाएंगे, वहाँ के इंस्पेक्शन करेंगे। यहाँ से वे टिकट आरक्षण केंद्र पहुँचे, यहाँ भी उन्होंने यात्री सुविधाओं को लेकर जायजा लिया। इसमें सबसे प्रमुख काउंटरों की संख्या, टिकट बनने में लगने वाला समय और यात्रियों की संख्या प्रमुख थी। बुकिंग कार्यालय का भी जायजा लिया। इसके अलावा कुछ स्टॉलों की जांच भी की। खान पान को लेकर उन्होंने स्टॉल संचालकों को गुणवत्ता बरतने का निर्देश दिया है। लोक सो टीवी के लिए कैमरामैन जयंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आरपीएफ की टीम का मानवीय चेहरा सामने आया है। गुरुवार की रात महिला आरक्षकों ने रेलवे स्टेशन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का न सिर्फ सुरक्षित प्रसव कराया, बल्कि नवजात के जन्म होने के बाद मां और बच्चे को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती भी कराया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आगे कतौरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ तैनात आरपीएफ के जवान को पता चला कि प्लेटफॉर्म में एक प्रेग्नेंट महिला दर्द से तड़प रही है। जानकारी मिलते ही उन्होंने महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया। इसके साथ ही आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए शासकीय गाड़ी से तत्काल टीम का कतौरा भेजा। महिला आरक्षकों की टीम जब स्टेशन पहुंची, यहां उपस्थित महिलाओं की मदद से आरक्षक सोनिया और नेहा ने हिम्मत जुटाकर महिला का प्रसव कराया, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई और महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद नवजात और महिला को सिम्स में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। प्लेटफॉर्म में ही एक चादर और साड़ी यूज करके एक उन्होंने एक एनक्लोजर बनाया और उसके अंदर में ही आरपीएफ की जो लेडी स्टाफ थी उन्होंने उस महिला पैसेंजर की डिलीवरी की। उसके बाद चूंकि पहले से एम्बुलेंस को भी खबर कर रखा था, तो एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुँची और एम्बुलेंस से फिर उनको तुरंत सिम्स ले जाया गया। जब सिम्स में वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें अटेंड किया और उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया कि दोनों जो लेडी पैसेंजर है वो और उनका बेटा दोनों सुरक्षित है, उसी के बाद उनसे बात करके हमारी लेडी पैसेंजर्स वापस थे। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बनाए जा रहे मल्टी लेवल पार्किंग का काम धीमा है। गौरतलब है कि 13.5 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 3 माले के मल्टी लेवल पार्किंग में 256 कार और 333 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इधर कार्य की प्रगति को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि इसकी सौगात अगले वर्ष तक बिलासपुर की जनता को मिल पाएगी। फिलहाल यहां बेसबैंड का काम पूरा हो चुका है, अब प्रथम तल का कार्य जारी है। 2023 में मार्च तक इस कार्य को पूरा करने नगर निगम ने कहा है। मंदिर परिसर में दारू गांजा पीकर हुल्लड़ करने वालों की शिकायत करने छात्राएं और वार्ड के बुजुर्ग एडिशनल एसपी राजेंद्र कुमार जायसवाल से मिले। ज्ञापन में नागरिकों ने बताया कि सरकंडा का चंद्रमौली मंदिर असामाजिक तत्वों से दूषित हो रहा है, लोगों के आस्था का केंद्र असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने मांग की गई है। गौरतलब है कि सावन का महीना चल रहा है, इससे यहां स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने इन दिनों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के पास एकत्र नशेड़ी राह चलती स्कूली छात्राओं से छीटाकसी करते हैं, यह जानकारी भी ज्ञापन में पुलिस को दी है। एक्चुअल में शिकायत यह हमारी कि हमारे जो मोहल्ला है बंधापारा चंद्रमौली मंदिर के पास, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जैसे कि दारू गांजा पीना, जुआ खेलना, ये सारी शिकायतों को लेकर के हम आए थे सर के पास ताकि इसका निवारण किया जा सके, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आजकल हमारे मोहल्ले में बच्चे लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, सब बुरी आदतों में पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य जो है सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर इस क्षेत्र में कदम उठाएं और ये सारे जो बुराइयां हैं उनको खत्म। ट्रेनों की समयबद्धता को लेकर अलग पहचान रखने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपने में ट्रेनों को समय पर नहीं चला पा रहा है। इतवारी से बिलासपुर के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस 5 घंटे विलम्ब से जोनल स्टेशन पहुंची, यही स्थिति इंटरसिटी एक्सप्रेस की भी है। माल लदान के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ट्रेनों को प्राथमिकता से समय पर चलाता था, पर कोरोना महामारी के बाद से ट्रेनों की चाल बिगड़ चुकी है। जोन अब धीरे धीरे यात्रियों के बीच अपना विश्वास भी खोने लगा है। यात्री अब यात्रा से पहले ऑनलाइन यह देखते हैं कि ट्रेन कितनी देर है, तब घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें तो अलग अलग जोन से होकर गुजरती हैं, इसलिए किस जोन में ट्रेन की गति धीरे हुई है यह तो कोई नहीं जानता।
पर यात्रियों का यह कहना जरूर है कि दूसरे जोन से पहुंचने वाली ट्रेनें हमेशा लेट लतीफी आती रही हैं, पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपनी ट्रेनों को अपने जोन के अंदर समय पर नहीं चला पा रहा है। ये बड़े विडंबना की बात है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत देर से आके बैठा हूँ और अभी पता चल रहा है 3 घंटा लेट हो गई है और लेट होते जा रही। पहले 1 घंटा था, अब 3 घंटा हो गया, तो परेशानी तो बहुत है। मेरा सफ़र बिलासपुर से अहमदाबाद का है, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में है, तो अभी मैं वही वेट कर रहा हूँ ट्रेन का कोई उपाय। नहीं, ट्रेन तो बहुत कम चल रहा है, अभी 1-2 ही ट्रेन अहमदाबाद के लिए चल रहा है बिलासपुर से, वो भी सारी लेट ही चल रही है लगभग। तो यही ट्रेन था जो मतलब 2-3 घंटा ही लेट चल रहा था, तो पहले भी तो इसी में बुकिंग किया था। शिवनाथ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पिछले कई महीने से समय पर नहीं चल रही है। शनिवार को सारनाथ एक्सप्रेस 7 घंटा, आजाद हिंद 3 घंटा, समरसता एक्सप्रेस 4 घंटा, दरभंगा एक्सप्रेस 3 घंटा, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा, अहमदाबाद एक्सप्रेस 3 घंटा, उत्कल एक्सप्रेस 2.5 घंटा और शिवनाथ एक्सप्रेस 5 घंटा देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इससे यात्रियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिम्स रोड में यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं होने से जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। इससे मरीज और परिजनों की परेशानी बनी हुई है। सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होती है। लोगों को इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता कि उसके कारण राह चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सिम्स मार्ग पर 4-पहिया वाहन के रुकते ही वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। एक तरफ जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की देश भर में तैयारी चल रही है, इसके तहत लोगों को राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराने के लिए शासन द्वारा हर घर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहर के रिवर व्यू में आन और शान का प्रतीक तिरंगा 1.5 माह से नहीं फहराया गया है। यह विडंबना है कि रिवर व्यू के स्तंभ से तिरंगा झंडा गायब होने की खबरें बार बार आती हैं। इस विषय में जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनके द्वारा हर बार नई वजह बता दिया जाता है। खैर, वजह जो भी हो, इस खबर के बाद इंतजार करते हैं कुछ इस उम्मीद के साथ कि जल्दी यहां तिरंगा लहराता देखने को मिलेगा। पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ हमारे पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर में झंडा फहराना है यह कहा जा रहा है, लेकिन हमारे रिवर व्यू में जो सबसे ऊंची जो तिरंगा ध्वज है वो फहरनी चाहिए, वो 1.5 महीने से नहीं फहर रही है। ये सोचने लायक बात है और बहुत ही निंदनीय है। जो हमारे बिलासपुर शहर की शान है और हमारा रिवर व्यू का शान है, और उसको देख के हमें देशभक्ति की भावना जगती है। मुंगेली जिले के करही में रहने वाले अनिल कुमार पाठे को अपहरण के मामले में 2018 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके बाद से वह बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद था। बीते दिनों परिजनों ने उसे पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी। जेल महानिदेशक के आदेश पर अनिल को 16 दिनों के पैरोल पर 11 जुलाई को छोड़ा गया। 28 जुलाई को परिजन उसे केंद्रीय जेल के गेट के पास छोड़कर घर लौट गए। बंदी के जेल नहीं लौटने पर जेल प्रबंधन ने अनिल के पिता राम सुंदर पाठे को इसकी सूचना दी, तो राम सुंदर ने जेल प्रबंधक को बताया कि रिश्तेदार उसे जेल छोड़ने गए थे। जेल प्रबंधन की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस फरार बंदी की तलाश कर रही है। केंद्रीय जेल बिलासपुर के अधीक्षक के द्वारा अपने लिखित पत्र के माध्यम से थाना प्रभारी सिविल लाइन को सूचित किया गया कि उनके जेल में एक आजीवन कारावास भुगत रहा जो कैदी था अनिल कुमार पाठे, जो ग्राम करही जिला मुंगेली का निवासी था, उसको 16 दिन के पैरोल पे छोड़ा गया था और उसमें उसकी वापसी 28 तारीख को थी। 28 तारीख को वापस ना आने पर उसके द्वारा 29 तारीख को अभी जुलाई में लिखित आवेदन दिया गया कि आरोपी फरार है। उनके लिखित पत्र पर थाना सिविल लाइन में धारा 224 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की खोज की जा रही है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूलों में होगी नियमित शिक्षकों की भर्ती, मंत्री ने दिया पक्की नौकरी का भरोसा। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने किया जोनल स्टेशन का औचक निरीक्षण, खामियां दूर करने दिया निर्देश।
नहीं सुधर रही ट्रेनों की लेट लतीफी, यात्री रोज हो रहे परेशान। और अशोकनगर एकता कॉलोनी की सड़क वर्षों से है जर्जर, राहगीर हो रहे हलाकान। पिछले कुछ सालों से सरगंडा क्षेत्र का विकास हुआ है, पुराने शहर की तरह यहां भी बदलाव दिखाई देने लगा है, मगर क्षेत्र की कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बरकरार है। यहां सड़क नाली जैसी बाधा लोगों को परेशान किए हुए है। अशोकनगर का एकता कॉलोनी भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले कुछ समय से बिलासपुर शहर बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है, सरकंडा क्षेत्र हो या फिर शहर का कोई भी हिस्सा, सभी जगह विकास की बुनियाद मजबूत हो रही है। पुराने शहर की तरह सरकंडा पार भी व्यवसाय और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। बड़ी तेजी से यहां बसाहट ने भी आकार ले लिया है, लेकिन नगर निगम की अनदेखी ने यहाँ की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशान किया है। ऐसी कई कॉलोनियां आबाद हुई हैं जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। बात करें अशोकनगर के एकता कॉलोनी की, तो यहां के लोग भी नगर निगम से खासे नाराज हैं। कॉलोनी जाने वाली सड़क उन्हें हर पल किसी दुर्घटना की दावत देती है। इतनी बड़ी बस्ती बस गई है, पूरे मकान बन गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ आदमी को गाड़ी से आना जाना, क्या पैदल भी चलना दुर्लभ हो गया है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए आदमी क्या कहे कि ये हमारी गलती है कि नगर निगम की गलती है कि किसकी गलती है। पूरा विकसित हो गया है, लेकिन यहाँ इस रोड को देख करके हमें खुद रोना आता है कि हम किस कैसे आएं और जाएं। बहुत दिनों से जर्जर स्थिति है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पर कुछ कार्यक्रम हो नहीं पा रहे हैं। रोड की दुर्दशा के कारण लोग रोज गिर रहे हैं। यहाँ पर मैं कई लोगों को उठा के भी और उनको संभाला हूँ, उनकी गाड़ी की स्थिति माने खराब हो जाती है, पानी में डूब जाती है, साइलेंसर में पानी भर जाता है, फिर भी लोगों को बोला जा रहा है उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि इस रोड के लिए अत्यंत आवश्यकता है और इस कार्य को माने सुचारू रूप से और बड़े जल्द से जल्द माने इसको और बराबर करने की या बनाने की व्यवस्था बनाएं। दो साल हो गए इस रहते, लेकिन मुझे बस यही याद आता है कि सियासी सुरमाओं को यही फरमान देना है, हम ही जाने बचानी है, हम ही को जान देना है, तुम्हें चालाने भरने हैं, हमें चालान देना है, इन खस्ता सड़क पर रोज़ हमें इम्तहान देना है। तो नगर निगम को अभी तक ये होश नहीं आया है कि इन सड़कों को बनवा दिया जाए, क्योंकि रोज़ हजारों लोग इस सड़क को पार करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन रस्तों को नहीं बनवाया जा रहा है। तो मैं यही अपील करूँगा नगर निगम से कि सड़कों को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमारी जो समस्याएँ हैं वो दूर की जा सके। आसपास के नागरिक नगर निगम के जिम्मेदारों को कई बार यहाँ की समस्या बता चुके हैं, मगर किसी को भी इनकी समस्या को देखने के लिए फुर्सत नहीं है। स्कूल के बच्चे तक यहाँ के एक नाले से डरे सहमे से रहते हैं। हर पल राहगीर गिरने और गाड़ी के खराब होने के अंदेशे में परेशान रहते हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन सहित नगर निगम के अधिकारियों को कई बार ध्यान आकर्षित कराया है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान कर लोगों को सहूलियत प्रदान करे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। अगर आप बिलासपुर रायपुर मार्ग पर चल रहे हैं तो चौकन्ना हो जाए, नहीं तो कौन किस समय सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फोर लेन बनने के बाद भी आखिर क्यों हो रहे हादसे, चौक चौराहों पर संकेतक का नहीं लगाना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, सड़क पर मवेशियों का झुंड हादसे को न्योता दे रहा है। नेशनल हाईवे के बिगड़े हालात पर स्थानीय निकाय ध्यान दे रहा है और न ही यातायात विभाग। अरपा भैंसाझाल योजना के तहत नहर को बनाए लगभग 4 बरस हो गए, मगर तखतपुर और बिल्हा के किसान टकटकी लगाए बैठे हैं कि नहर में पानी कब आएगा। नहर से लगे खेतों पर किसान सूखे की मार झेल चुके हैं, वे अधिकारियों से अक्सर पूछते हैं नहर में पानी कब आएगा। इस वर्ष भी विकास अग्रवाल क्लासेस के स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है, साथ में CA फाउंडेशन, BBA और CLET की तैयारी कराई जाती है। शिक्षक और छात्रों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि एक बार फिर से विकास अग्रवाल क्लासेस का परीक्षा परिणाम शानदार रहा।
यहाँ के छात्र शौर्य अग्रवाल, जो गणेश अग्रवाल और नेहा अग्रवाल के पुत्र हैं, ने चार विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किया है। उन्होंने ओवरऑल 98.4% अंक हासिल किया है। इन्हें अकाउंट, मैथ्स व इकोनॉमिक्स में 100 में 100 अंक मिले हैं। ये छात्र बिलासपुर में कॉमर्स टॉपर है, जिनका छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर है। वहीं शहरी उबेजा और श्रेयांश जैन को भी अकाउंट्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। अस्मिक और गांधी को अकाउंट्स में 99 और इकोनॉमिक्स में 98 अंक मिले हैं। प्रियांशु अग्रवाल, मान्या चंद्राकर और मेघा अग्रवाल ने भी अकाउंट्स में 99 अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10वीं की अदिति साहू ने मैथ्स में 99, साइंस में 95 अंक हासिल किया है। वहीं प्रियांशु अग्रवाल और साधिका मोहिनी को इकोनॉमिक्स में, मेघा अग्रवाल को मैथ्स में और अर्पित कश्यप, दिया मोंडल और खुशी अग्रवाल को अकाउंट्स में 98 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरह लगभग 30 से ज्यादा बच्चों ने 95 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। मैंने 4 सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और BST में 100 स्कोर किया। मैं अपने सक्सेस का श्रेय विकास सर, विशाल सर, अंजलि मैम, अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं विकास अग्रवाल क्लासेस क्लास 9 से ज्वाइन किया हुआ है। उस टाइम मैं विशाल सर से पढ़ता था मैथ्स। उस टाइम सर के जो रेपिटेटिव टेस्ट होते थे, जो उनका कॉन्स्टेंट गाइडेंस रहता था, तो हमेशा वो हमें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता था और एक डायरेक्शन देता था। वो चीज़ मैं आज तक फील कर पाता हूँ विकास अग्रवाल क्लासेस में। 11th के टाइम पे जब कॉमर्स लिया तो सब बोलते थे कि कॉमर्स इजी ही सब्जेक्ट है, बट जब लेने के बाद अकाउंटेंसी से पाला पड़ा तब समझ आया कि कितना टफ है। और यहाँ पे सर से मिलने के बाद, सर के साथ पढ़ने के बाद समझ आया कि नहीं, इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जो स्कोर आया है उसका पूरा एक श्रेय तो सर को और पेरेंट्स को ही जाता है, और बाकी सर ने इतना ट्रेन कर दिया था कि मेहनत अच्छे से की तो आ गया अच्छा रिजल्ट। अकाउंटेंसी में मेरा 100 आया है और टोटल परसेंट मेरा 96.6 आया है। मैंने 12th में ओवरऑल 91.4% हासिल किया और अकाउंटेंसी में मेरा 100 मार्क्स आया। इस सक्सेस का श्रेय मैं अपने सर विकास सर को देना चाहूँगा, जिनके कारण मेरा अकाउंट्स में 100 मार्क्स आए हैं। उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस, थ्योरीज, जितने भी स्टडी मटेरियल थे वो एग्ज़ाम में आए थे, उनसे ही आए थे। और अभी कोविड में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया, ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड, फिर क्लास में बुलाया डाउट के लिए, और बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता था तो पढ़ने में अच्छा लगता था। मैं 12th क्लास में हूँ और मैंने विकास अग्रवाल क्लासेस में कोचिंग पढ़ी है। मेरे ओवरऑल 98% आए हैं और अकाउंट्स में 99 है और इको में 98 है। विकास सर और अंजलि मैम का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने लाइक छोटे से छोटे डाउट्स पूरे क्लियर किए। कॉन्स्टेंट टेस्ट लेते थे जिसके कारण लाइक इम्प्रूवमेंट होती थी, और कोई भी डाउट्स होता था उन्होंने क्लियर किया है, और लाइक पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। मेरा ओवरऑल 92.2% आया है एंड मेरा अकाउंट्स में 99 आया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विकास सर। मैंने 12th में यहाँ पे कोचिंग ली थी, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस, एग्जाम के पहले मोटिवेशन, नोट्स एंड एवरीथिंग हैज हेल्प मी अ लॉट मोर देन यू कैन थिंक। अकाउंट्स में 99 इज़ अ बिग डील फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, सो आई गिव हिम ऑल द सक्सेस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है। ओवरऑल परसेंटेज 89.6% आया है। मैं अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट विकास सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब कुछ पढ़ाया अच्छे से, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स में मुझे हेल्प किया। और मैं मैथ्स में टोटल 93 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 एंड साइंस में 94 आउट ऑफ 100। मेरे ओवरऑल 92.2% आए हैं और मैं क्लास 10th की हूँ, और मैं भी या विकास अग्रवाल क्लासेज जाती थी, तो मैं अपने मार्क्स और पूरे क्रेडिट विशाल सर को देना चाहूँगी जो हमारे मैथ्स के और साइंस के टीचर थे। तो मेरे मैथ्स में 90 मार्क्स आए हैं 100 में से, और साइंस में 95 आए हैं 100 में से। मैं यहाँ रेगुलरली क्लासेज आती थी, मैंने यहाँ 8th से स्टार्ट किया था, तो मेरा 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो क्लासेज बहुत अच्छी है और मैं ओवरऑल क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी। आई स्कोर 97.4% इन माई 12th बोर्ड्स एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई सक्सेस टू विशाल सर, विकास सर एंड अंजलि मैम। विकास अग्रवाल क्लासेस के संचालक विकास का कहना है कि अच्छे रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी उतनी ही मेहनत करनी होती है। कोरोना काल में इतनी दिक्कतों के बावजूद बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, यही कारण है कि परिणाम अच्छा आया जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली है। यहाँ पर मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ और काफ़ी साल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और हम बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, साथ साथ उनके पेरेंट्स, बच्चों का भी बहुत योगदान रहता है, मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। बट इस साल
कोविड में एक चैलेंजिंग जॉब था और बच्चे हमसे दूर रहकर ऑनलाइन पढ़े, कभी ऑफलाइन पढ़े और मिक्स वे में हमने पढ़ाया है और कोशिश किया है कि बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ और हमारा मेहनत, बच्चों का मेहनत, उनके पेरेंट्स का मेहनत रंग लाया है और साथ में देखने को मिला है कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। हमारे यहाँ से शौर्य अग्रवाल जिसका 98.4% है, उसने हमारे तीनों सब्जेक्ट में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स तीनों में 100 out of 100 लाया है। साथ में शहरी उबेजा ने भी 100 out of 100 स्कोर किया है अकाउंटेंसी में और श्रेयांश जैन ने भी 100 out of 100 स्कोर किया है अकाउंटेंसी में। विकास चौक क्लासेस में मैथ्स फैकल्टी के रूप में हूँ और हम लोगों ने इतने सालों से पढ़ाया और रिज़ल्ट हर बार बेहतर पे बेहतर होते चले गए और ये बेहतर आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमारे पास तीन सब्जेक्ट में से तीनों में 100 में 100 आ गए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। बात करें बाकी और टेंथ क्लास के, उनमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ हमारा। ट्वेल्थ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। हम तो बोलते हैं हम सिर्फ स्कोर नहीं दे रहे, हम एक लाइफ दे रहे हैं आपको आगे। मैं यहाँ इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूँ विकास अग्रवाल क्लासेस में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, जस्ट 2 स्टूडेंट्स से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पढ़ाना। अभी हम ग्रो किए हैं काफ़ी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छा है कि हमने रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ अभी तक हम हाईएस्ट पे खड़े हैं। मतलब जब से हमने स्टार्ट किया है अभी तक हमारा रिज़ल्ट डाउनफॉल नहीं हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स, हम तीनों फैकल्टीज़ की बहुत मेहनत है। जैसे कि हम, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मैं प्रॉपरली उसमें नोट्स देना, जितने भी डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को, वैसे होते ही नहीं हैं लेकिन अगर हैं तो उसको हम प्रॉपरली क्लियर करते हैं। इवन स्टूडेंट्स रात को 12 बजे भी हमें मैसेज करते हैं तो हम उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। यहाँ के सभी टीचर्स विकास अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल और विशाल अग्रवाल का मानना है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी मेहनत से ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है। विशाल अग्रवाल मैथ्स एवं साइंस व अंजलि अग्रवाल इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। कुछ ही समय में विकास अग्रवाल क्लासेस बिलासपुर का एक गौरवशाली इंस्टीट्यूट बन गया है जो हर वर्ष एक बेहतरीन रिजल्ट प्रदान कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस आरोपी युवक को 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। मामला बिल्हा के पौसरी गांव का है। जानकारी के अनुसार पीड़िता जब घर पर अकेली थी तभी गांव का रहने वाला युवक आशीष ध्रुव बुरी नियत से घर में दाखिल हुआ और छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोरगुल मचाने पर युवक 9-11 हो गया। पति के घर लौटते ही महिला ने आपबीती सुनाई और सीधे थाने पहुंची। बिल्हा थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी युवक आशीष ध्रुव के खिलाफ धारा 354 452 के तहत कार्रवाई की है। कल 29 तारीख को प्रार्थिया ग्राम पौसरी की थाना में रिपोर्ट आकर दर्ज कराई कि उनके ही गांव का आशीष ध्रुव नाम का व्यक्ति जो पड़ोसी है दिनांक 26 तारीख को रात में इसके घर में छेड़छाड़ करने की नियत से घुसा था। तत्काल इसने अपने पति को फ़ोन के ज़रिए सूचना दिया, चूँकि वो बाहर ड्राइविंग का काम करता है, बाहर गया था और कल पति के वापस आने पर पति के साथ में थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की है, आरोपी को हिरासत में लिया गया है जो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिकअप द्वारा कीचड़ उछालने के विवाद में युवक पर चाकू और टंगिया से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कोनी में रहने वाला पिकअप चालक समीर अशोकनगर मुरुम खदान के पास से गुजर रहा था। इस दौरान उसके पिकअप से ओम प्रकाश पर कीचड़ उछला तो उसने पलट कर गाली दी। थोड़ी देर बाद पिकअप चालक अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंचा और ओम प्रकाश पर जानलेवा हमला कर दिया। जब उसे बचाने कुछ लोग आए तो उस पर भी हमला किया गया। इस घटना में ओम प्रकाश के गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। मामले को सरकंडा पुलिस ने जांच में ले लिया है। तो वो ऐसे रास्ते पे जा रहा था, एक पिकअप वाला आया, तो पिकअप वाला कीचड़ मारते हुए ऊपर गया। वो कीचड़ वाले को, फिर वो गाड़ी वाले को बोला कि भाई आराम से चला, कीचड़ से क्यों चला रहा करके। फिर ऐसे ही बहस हुआ, तू मैं। फिर वो पिकअप वाला आदमी जो वहीं मुरुख खदान का निवासी है, वो अपने घर गया, फिर वहाँ से अपने 7-8 साथी के साथ आया, वहाँ से टंगिया, चाकू, तलवार लेके, और फिर हमारा जो मित्र है उसके ऊपर वो हमला करने लगा, जिसे गले में मारने के इरादे से चाकू अड़ाया, वो चाकू मारा उसका और साथ में टंगिया से सर पे वार किया है। अभी एक मेमो प्राप्त हुआ है, इसमें डॉक्टर साहब लिखे कि ओम प्रकाश मानिकपुरी पिता दयादास,
ये उपचार के लिए भर्ती हुआ है मारपीट के कारण, इसको चाकू वगैरह से मारपीट हुआ है। अस्पताल में भर्ती किए हैं और तरकंडा थाना अस्पताल में वो भेजा गया है, वहाँ से जांच प्रक्रिया आगे चल रही है। 4 जून को बिलासपुर स्टेशन में खड़े लिंक एक्सप्रेस में बैग चोरी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी पंकज शर्मा ने इसकी रिपोर्ट विशाखापट्टनम में दर्ज कराया था। केस डायरी बिलासपुर आते ही जीआरपी में धारा 379 आईपीसी में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी बीच आरपीएफ टास्क टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक एसएल बघेल, टास्क टीम रायपुर के उप निरीक्षक ए जेड चौधरी और जीआरपी बिलासपुर के बल सदस्यों द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर रायपुर कोरबा एक्सप्रेस से आरोपी महिला नीलातिन बाई को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर उक्त चोरी की घटना को करना स्वीकार किया। उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। बेचना के दौरान एक मोबाइल मिला है जिसकी कीमती 10,000 रुपये है। वो मोबाइल एक चोटिन जो है बहुत पुरानी चोटिन है जीआरपी की, उसका नाम है मिलंतिन बाई, जो टाटीबंध रायपुर में रहती है, उसके पास से बरामद हुआ है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत पुरानी चोर है और महिलाओं की चोरी करती है, इसका खानदान पूरा चोर है। आज उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर रिमांड में उसको जेल भेजा जा रहा है। श्री सुखमणि साहब के 40 दिवसीय पाठ का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही गोड़पारा के वरियाराम दरबार में सुबह शाम आरती की जाएगी। पावन मौके पर गुरु की अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। सर्व कल्याण की कामना से भाई वरियाराम दरबार में श्री सुखमणि पाठ साहब का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को पवित्र ज्योत जलाकर भाई अमर वाधवानी ने गुरु ग्रंथ साहब के अमृत वचनों का पाठ किया। सिंधी पंचायत शनिश्री पड़ाव के अध्यक्ष गोपी ठारवानी ने कहा, सावन माह में ये धार्मिक आयोजन हर साल किया जाता है। इसमें सभी वर्ग के श्रद्धालु शामिल होकर अपने मनोरथ सफल बनाने गुरु नानक देव से प्रार्थना करते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में हम हिंदू स्वावलंबियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय रहता है। आज इसी तारतम्य में शनिचर पड़ाव पूज्य पंचायत द्वारा भाई वराराम दरबार शनिचरी बाजार में 40 दिन का अखंड ज्योत का प्रज्वलन किया गया। इन 40 दिनों में सुखमणि का पाठ साहब प्रतिदिन शाम को 4 से 6 बजे तक किया जाएगा एवं आरती शाम को 6 बजे एवं प्रातः 9 बजे प्रतिदिन की जाएगी। पावन सुखमणि साहब का श्रवण करने पंचायत ने सभी से दरबार पहुंचने का आग्रह किया है। प्रतिदिन आरती सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे किया जाएगा, जबकि सुखमणि का पाठ रोजाना शाम 4 बजे होगा। यह आयोजन लगातार 40 दिनों तक चलेगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।